खुजरा गठबंधन प्रत्याशी बंसी सिंह पहाड़िया ने कहा, खुजरा में स्थानीय लोगों को 50% तक रोजगार मिलेगा। व्यापारी समाज के जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करने के लिए फूल माला लेकर बैठे हुए थे, बंसी सिंह पहाड़िया जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता चला वैसे ही उन्होंने अपना रूट बदल दिया, जिससे व्यापारियों में नाराजगी दर्शाई जा रही है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से रिपोर्टर फरियाद अली। बंसी जी, चुनाव नजदीकी है बिल्कुल, और किस तरह का जनता से प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं 2012 में 1 लाख वोट पाकर यूपी टॉप किया था अपनी पार्टी में, और मेरा 4th नंबर था। आज जिस तरह का मैं बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी हूँ और मैं बड़ी सच बात कहने का आदि हूँ, आज जिस तरह का मैं देख रहा हूँ 1.5 लाख वोटों को, बड़ी 1.5 लाख वोटों को ऊपर वाले के डर से कान पकड़ के कह रहा हूँ, कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी को उस समय 36,000 मिली थी, आज बीजेपी 35,000 पे आ गई है। किससे टक्कर मान रहे हो अपनी? हमारी कोई टक्कर नहीं है, मत पढ़ना तुम टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कल मुख्यमंत्री आए थे खुर्जा में, सुना था कि कुछ बिरादरी के लोग स्टेज पे नहीं थे, क्या था? ऐसा है, मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई हैं, वो पहाड़ी है, हम पहाड़िया हैं, हमारा उनका ये रिश्ता भी है, वो हमारे छोटे भाई हैं, उनसे गलती हुई है और जनता उन्हें गलती का सबक सिखाएगी। वहाँ राजपूत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और ब्राह्मण और जाटों का जितना निरादर हुआ है उतना किसी का निरादर कभी नहीं हुआ। इस तरह ही पहले जब राजनाथ जी आए थे, अमित शाह आए थे, जब भी उनको मंच में स्थान नहीं मिला था और मैंने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा था। मेरी जब रैली हुई 2017 में और 2012 में 165 लोगों को मंच के आसपास और 40 लोगों को मंच में बैठाने का मैंने काम किया, सभी बिरादरियों का सम्मान किया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ब्राह्मण और जो जाट समुदाय के लोग हैं उनकी बेइज्जती हुई है। नहीं नहीं, ब्राह्मण और जाटों की तो आप बात कर रहे हैं जो सत्य है, लेकिन जिसे अपना बेस बोर्ड मानते हैं मार्केट में, वेल समाज के लोग जो हमारे साथ है, मतलब उनके साथ थे, लेकिन पाली समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, वाल्मीकि और वेल समाज के लोग आज वो इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जेवर अड्डे से वो जो गली है कुंज बिहारी वकील साहब वाली, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें मीना समाज के, ब्राह्मण समाज के, बनिया समाज के लोग आते हैं, वो काले झंडे दिखाते हैं। मुख्यमंत्री को भनक लगी, मुख्यमंत्री ने रूट बदल दिया और पूरे बाजार में सारे व्यापारी जो सभी जातियों के माला लेके बैठे रहे, आज वो उनका विरोध कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, और वो हमारा समर्थन कर रहे थे, अब वो ज्यादा कर रहे हैं। खुर्जा के अंदर 2 कंपनियां एशिया की बड़ी कंपनियां आई हुई है जिनके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम 50% माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम 50% स्थानीय लोगों को रोजगार की गारंटी करेंगे। धन्यवाद, बने रहिए KP24 न्यूज के साथ। मैं रेणुका, मुंबई, नमस्कार।